अदन पड़ता सारी वर्णमाला को पण जिन खोलिया क्या दर्शाया विद्वान लोगों की अस्थि ये जो जगह होती ऐसे अमर नहीं को जग में आ से आत्म तन माटी का ई से एक तक ध्यान बिना सब करना वाहन माटी एक एक शब्द को खोलिया है सब कुछ मिट्टी मिल जाना सब के मिट्टी में बता दिया दादा ने पहले नंबर पर कहा शुरुआत कर दी क्या लिखा है Oh,
ਕੌਣ ਲਾਗਿਆ ਕੈਸੇ ਘਰ ਕੌਣ ਬੇ ਮੈਂ ਫਸਕੇ ਝੂਠਾ ਝਗੜਾ ਸੋਵਣ ਲਾਗਿਆ ਦੇਸੇ ਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਕੀ ਰਟਾਲ ਆਡਾ ਤਰਥਾ ਹੋਵਣ ਲਾਗਿਆ ਸੈਸੇ ਤਰਸਾ ਚੁਗਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਠੂਕ ਡਲੋਵਣ ਲਾਗਿਆ कृष्ण शास्त्री जी धारदी गांव से 500 रुपए बाबा जी के श्री चरणों में 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। शर्मा जी को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। अश्वनी कुमार जी सोनीपत से 100 रुपए से मान सम्मान और सब्जाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। जैसे झूठ नहीं बोलू कह पर क्या बेटा सारी मैं ये से यम गया तारू मरीन्द्री पढ़ा कोम जी सारी मैं पैसे टोटा नहीं रहन दू अरे धन की भरू बुखारी मैं पैसे टोटा आदमी चला जाएगा पर अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों से वो उसकी याद नहीं रहती है, उसका नाम रहता है और कम रहे नहीं। निवला दादा फिर नाम के ऊपर रहे क्या दर्शा क्या लिखा
फल और फूल पाखड़ी जंगल उजाल नहीं रहने। पैसे बुद्धि पसंद बिना ये सच्चे ध्यान नहीं रहने। पैसे भक्ति भाव बिना ये हल्के ध्यान नहीं रहने। करना पड़ेगा सारी वर्णमाला तरोई। इस वर्णमाला में 321 आला से रयाला से एक पेट चीरा से 300 होते हैं। दादा ने तीनों ही परिभाषा नैरी नैरी लिख दी। देखा क्या करता है मंत्र दर्शा जिससे परमात्मा खुश होते हैं। क्या लिखा
अक्षय से अक्षमा करो जीवों को तुम पर हूं जगदीश खुशी। त्रय से त्रास किसी को मत जो रहेंगे दिन में तीस खुशी। अज्ञेय से ज्ञानी मनुष्य ज्ञान पर हरदम बसवे बीस खुशी। गौम गौम हवा में स्वस्ति वाचन से हूं ईश खुशी। गुरु मान सिंह की सेवा करता लक्ष्मी चंदा मन जाती का ईश एक तक ध्यान बिना सब जना वाहन माटी। ये बंदाजा ला लिये वो अनपढ़ धाक पढ़िया देखा। ये तो एक भजन था आपके मध्य, एक रागनी का नंबर है जैसा भाई ने वो जिक्र किया था सुमित ने। ये बताते बारह साल का वनवास और एक साल का ज्ञातवास पांडवों को दिया जाता है और बारह साल तक अटके तेर में ही फांसी आ गई भाई के करें। अपना भेष बदल कर राजा विराट के यहाँ नौकरी करना शुरू कर देते हैं और वो साल गुजरने को आ गया। दुर्योधन ने एटी चोटी का जोर ला लिया, चुगर्द ने फौज खंदा ली। बस दिन रात एक करो सर धरती खोद का काटो, पांडवों ने हाजिर करो न उनकी शरत पूरी हो जाएगी, वो राज के अधिकारी हो जाएंगे। चारों तरफ से संतरी वापस आ गए, महाराज को भेद नहीं लग गया। और टाइम नजदीक आने को होया, दुर्योधन की सभा बैठी सारे करो राजी और बतलाओ ने बोला करे कदे सूत बैठे गया हो आप के बात। अरे हमारे से बड़ी तो कोई खुफिया नहीं, भूपत्तर सारे घूम लिए, कदे मर गए हो तुम न जम करना ना पड़े, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, आपस में बतलाओ सभा में केक है कौन सा केक है कौन सा केक है। नजारे को कवि दर्शाए क्या लिखा है, आ सकते ना।
बन पर्वत के सामने फिर गए के अंबर में जाकर चढ़ गिर के धरती से तले उतर गए। अंदाजा लाओ अरे कदे नहीं सूत बैठ गया हो ए पैर तलक भी पाई को ना के कुए झेरे में गिर गए के किताब तम घात करया से के किताब भूखे प्यासे मर गए शेर वगैरह खा गए होंगे रे कितो बना मा हाट बिक्री सूत बैठ गया। अर लोग पक्की जचगी अकबांडा उम्र लिए धरती बस है नहीं देखियो सारी जिंदगी दुश्मनी रही हो आम ऐसा निका पाला रहा हो मानस मरे पाछे जकर जरूर मानस असलियत में पाछे मरे पाछे कबूल कर ले दे रे बेट से उम्र बेट से गया हो था ही था उसके गुणा गुण का जकर करेगा कोरवा में पक्की दस की पांडव मारे गए और फिर बाबा मर गया हूँ बेसक बच्चो थे असली कुण सा की साधा सबका नारा नारा जकर का वो ईशा था वो ईशा था द्रौपदी इसी थी के बतलाऊ Yeah.